दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम वजन बढ़ाने के लिए किए जाने योग्य योगा के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि वजन बढ़ाने और मोटा होने के लिए योगासनों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों ये योगासन जो है ये आपके शरीर में वजन बढ़ाने के दौरान जो भी कमियां आ रही है यानी कि जो भी गड़बड़ी है उनको ठीक करता है और एक महीने में ही आपको फायदा दिखना दोस्तों शुरू हो जाता है। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना वजन बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, पर फिर भी उनका वजन वही का वही रहता है, नहीं बढ़ता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके शरीर की अंदरूनी समस्या होती है यानी कि ये मेटाबॉलिक रेट पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे योगासन बताएंगे जो कि आपके वजन को दोस्तों बढ़ाने में, मेटाबॉलिक रेट को ठीक करने में बहुत सहायक होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। नंबर वन है दोस्तों भुजंगासन। जी हाँ दोस्तों भुजंगासन आप करते हैं, अगर आपको भुजंगासन नहीं आता है तो आप वीडियो YouTube पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो है और आप सही ढंग से सीख सकते हैं। भुजंगासन आपकी पाचन क्रिया पर काम करता है, जिसके चलते अगर आपको भूख नहीं लगने की समस्या है या फिर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम नहीं करता है यानी कि आप बहुत सारा खाते हैं उसके बाद भी वजन नहीं बढ़ता है, तो उस पर ये योगासन दोस्तों काम करता है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप भुजंगासन करते हैं तो इससे प्रजनन प्रणाली जो होती है वो उत्तेजित होने लगती है। इसके अलावा भुजंगासन करने से हमारा हार्ट जो होता है वो स्वस्थ होने लगता है, सही रहता है और सांस लेने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे दोस्तों ठीक हो जाती है। इससे हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण, खून दौड़ने की क्रिया जो होती है वो सही होती है और हम जो भी खाते हैं उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को दोस्तों लगते हैं। नंबर वन जो योगा करें डेली वो है दोस्तों भुजंगासन आप जरूर करें। नेक्स्ट है दोस्तों वृज्जासन। वृज्जासन जो दोस्तों है वो भी वेट बढ़ाने में बहुत लाभकारी होता है। ये एक ऐसा आसन है, खाली यही एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों ये पाचन क्रिया पर काम करता है और मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है, जिससे आपका दोस्तों वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने में मदद मिलती है। थर्ड जो योगासन है दोस्तों वो आप कर सकते हैं पवन मुक्तासन। जी हाँ दोस्तों ये आसन भी दोस्तों आपकी पाचन क्रिया पर काम करता है, जिसके चलते पाचन क्रिया जो है वो उत्तेजित होती है। उत्तेजित का मतलब आपकी पाचन क्रिया जो है वो बढ़ती है और सुचारू रूप से सही ढंग से काम करती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को शांत करता है और शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने का भी ये आसन जो है दोस्तों काम करता है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। और आखिरी जो है दोस्तों वो है सर्वांगासन। जी हाँ दोस्तों इस आसन से आपके शरीर में खून और ऑक्सीजन दौड़ना यानी कि परिसंचरण को सुधारने में ये मदद करता है। अगर आपके शरीर में खून और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो आपका पाचन तंत्र, आपका हार्ट, आपका लीवर सही ढंग से काम करेगा और आपने जो भी पोषक तत्व लिए हैं खाने में वो आपके शरीर को लगेंगे, मेटाबॉलिज्म को ठीक करेंगे। ये आसन दोस्तों जब आप करते हैं सर्वांगासन तो आप उल्टे हो जाते हैं, इसलिए इसकी मदद से खून जो होता है उन जगहों पर पहुंच जाता है जहां पर कि आम तौर से हमारे शरीर में खून नहीं पहुंचता है। इससे शरीर में जो एनर्जी होती है उसके सामने जो बाधाएं आती है वो हट जाती है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है और हमारे शरीर में उस दौरान वजन दोस्तों बढ़ने लग जाता है, क्योंकि खून सही जगह पर पहुंचेगा, सभी जगहों पर पहुंचेगा तो हमारा पाचन ठीक होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक होगा और हमारा वजन दोस्तों बढ़ेगा। तो दोस्तों ये थे चार ऐसे योगासन, अगर आप उन्हें करते हैं तो आपका वजन काफी आसानी से दोस्तों बढ़ता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।